हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संगीता। स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल संगीता वीलॉग में। फ्रेंड्स, आज जो है महिला दिवस है, इसलिए आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हम लोग हर साल जो है फादर्स डे, मदर्स डे, ब्रदर्स डे, फ्रेंडशिप डे, ये सारे डे को मनाते हैं। बट जो हमारे घर का नींव है, चाहे वो रिश्ते में हमारी माँ हो, हमारी बहन हो, हमारी भाभी हो, आज उनका दिन है। आज उनका दिन है। तो हम लोग हर साल जो है ये 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के नाम से मनाते हैं। तो आज के दिन जो है मैं उन सभी औरतों को जो अपने घर को, घर का भी केयर करती है, उसके बाद अपने ऑफिस, अपने कार्यालय, अपने जो भी सारी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को एक साथ हैंडल करती है, उन सभी को मैं आज जो है विश करती हूँ। उन सभी महिलाओं को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ कविता के अवसर पे कुछ दो चार पंक्ति जो है, मतलब कविता की जो दो लाइनें हैं, मैं आप लोगों के सामने बोलना चाहूँगी। मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंधी है दुनिया सारी, हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। यही दो कविता की जो लाइनें थी मैं आप लोगों के सामने बोली हूँ। प्लीज़ मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा है। बाकी अब जा रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं। और आज महिला दिवस के अवसर पे मैं कुछ ज़रूर स्पेशल सी रेसिपी जो है आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ हमारी वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, तभी तो देखिएगा कि मैं क्या शेयर की हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो। ये देखिए, इन दोनों को वीडियो बना रही है मेरे जैसे। यहाँ मैं सब्जी बना रही हूँ, यानी दोपहर का लंच बना रही हूँ। और क्योंकि सुबह में जो ब्रेकफास्ट हुआ था ना, वो बहुत लाइट हुआ था, तो अभी दोपहर का जो लंच होगा वो थोड़ा हैवी होगा, यानी आलू मटर का सब्जी, पूरी और खीर। तो यहाँ पे मैं कुकर जब गर्म हो गया तो इसमें हींग, जीरा और तेज़पत्ता का फ़ोरन डाल दिया। जब वो चटक गया तो उसमें मैं प्याज था वो मैं ऐड कर दी। और प्याज जब हल्का लाल हो जाएगा, यानी हल्का ब्राउन हो जाएगा, तब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैं इसमें सारे मसाले जो होते हैं वो हल्दी, धनिया और लाल मिर्च का पाउडर, और इसमें मैं डालूँगी सब्जी मसाला भी, क्योंकि सब्जी मसाला मैं अप्रॉक्स सभी सब्जी में डालती हूँ, क्योंकि उससे सब्जी का टेस्ट जो होता है ना वो काफ़ी अच्छा आता है। उसके बाद ये थोड़ा भून लेने के बाद मैं इसमें आलू और मटर डाल के उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक भी डाल दूँगी। उसके बाद 5 मिनट तक भून लूँगी इसे। उसके बाद मैं पानी डाल दी और 1 सीटी। उसके बाद आप चाहो तो गरम मसाला डाल सकते हो, मैं इसमें डाली थी 1/2 चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा कसूरी मेथी डाला था। उसके बाद 1 सीटी आने तक ये हमारा सब्जी रेडी हो जाएगा। बस 1 ही सीटी लगाना है, ज़्यादा नहीं। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि आज मैं कुछ अलग बनाऊंगी, कुछ स्पेशल सी रेसिपी बनाऊंगी, तो फिर सोची कि क्यों ना कुछ मीठा बनाया जाए। तो फिर डिसाइड किया कि आज मैं चावल का खीर ही बनाऊंगी और आप लोग के साथ भी शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने दूध ले लिया था, उसके बाद थोड़ा सा चावल को भिंगो दिया, और वो जब भींग गया तो मैं दूध बॉईल होने के बाद मैं चावल को मिक्स कर दी दूध में, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने लिया है उसको कट करके, जब चावल आधा पक जाएगा, हाफ पक जाने के बाद मैं ये सारे ड्राई फ्रूट्स उसमें ऐड कर दूँगी। मैंने लिया था ड्राई फ्रूट्स में काजू, पिस्ता, बादाम और किशमिश और थोड़ा सा मखान, और ये सारे इसमें मैं डाल दूंगी। उसके बाद थोड़ा सा इलायची, 2-3 पीस इलायची मैंने खल में कूट के रख दिया था,
और हाफ छोटा कटोरी भर के मैंने चीनी लिया था। और मैं उसमें जब चावल पक जाता है ना तो फिर दूध ये चीनी को ऐड करते हैं, क्योंकि दूध जब रूम टेम्परेचर पे आ जाता है ना उसके बाद चीनी ऐड कर अगर करते हैं ना तो वो नहीं फटता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा केसर भी ऐड की हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। मैंने ऑनलाइन जो है दो चीज़ें ऑर्डर किया था, अभी जस्ट डिलीवर हुआ है तो मैं सोची आप लोगों को भी दिखा दूँ। ये देखिए अभी जस्ट आया है ये वाइप्स, और ये एक डायपर मीडियम साइज का है। तो मैं देखो ना बेटा कैसे कटता है। ये देखिए लिटिल का दो वाइप्स है। यहाँ पे देखिए हमारा मेकअप हो रहा है, और हमारी मेकअप आर्टिस्ट का जो नाम है वो स्वीटू एंड पहेली है। ये बहुत ही अच्छा मेकअप करती है। अगर आप लोग को भी अपॉइंटमेंट लेना है तो प्लीज़ आप लोग अपॉइंटमेंट अगर आप लोग को चाहिए तो हमसे प्लीज़ कमेंट मुझे करके बताइएगा, तो मैं आपको डिटेल सारा भेज दूँगी। और ये एक नया पार्लर खुला है, हाल ही फिलहाल खुला है, जिस पार्लर का नाम है सी टू एन पहेली ब्यूटी पार्लर। ये देखिए हमारा आई शेडो लग रहा है। जिस तरीके से मेरे चेहरे पे कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया जा रहा है, वैसे तो आपने कभी नहीं लगाया होगा। नए स्टाइल का मेकअप हुआ है, न्यू पैटर्न का मेकअप। ये स्वीटू ने मेरा मेकअप किया है, पता नहीं मेकअप हुआ या होली खेले हैं, पता नहीं। ये हमारा शाम का नाश्ता जो कि भाई मार्केट से ही लेके आया है, खासकर कचौड़ी और ज़बरदस्त तीखी चटनी हरी मिर्च और लहसुन की। और ये हमारा नाश्ता रेडी हो गया, और यहीं पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।